लुधियाणा विच राजीव गांधी के बूते कालख मलन ते सिमरजीत सिंह बैंस ने वड्डा बयान दिता है। बैंस ने कहा कि अकाली दल लोगों का ध्यान भटकाउण लई इह सब कुछ कर रही है। ध्यान केड़ी गल तो भटकाउणा चाहती है इह बैंस ने साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अकाली दल मुद्दाहीन पार्टी हो गई है। बैंस ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी को भी घेरे में लेंदे हुए कहा कि बुत ते कालख मलन तो बाद एक मातड़ गरीब की बिल्डिंग ढा दी गई। जेकर कांग्रेस असल में अकालियों ते कार्रवाई करना चाहती है तो सिट रणजीत कमिश्नर रिपोर्ट मुताबिक क्यों नहीं चलते। बादल परिवार ने दरबार साहब जाके सारे गुनाह कबूल किए ने, कांग्रेस उन्होंने हाथ क्यों नहीं पाती। बैंस ने बुत मामले में दोवां पार्टियां की चाल दस्या है। उतों चंडीगढ़ बैठा था कह रहा भी की कार्रवाई हुई, पुलिस कमिश्नर लुधियाणा पुछ रहा तो जिहड़ी कार्रवाई बादलों के विरुद्ध कैप्टन के कोले पेंडिंग पई है उत्थे कार्रवाई क्यों नहीं। मातड़ के उत्ते कार्रवाई किसी गरीब की चाके बिल्डिंग तोड़ती, कहिंदे जी इह बुत दे उत्ते काल समण वाले दे रिश्तेदार की बिल्डिंग सीगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल जदों के अपना दोष कबूल कर चुकया भी गुरु ग्रंथ साहब निरादर किया रूड़ियां दे उत्ते अंग अंग रोलिया उहदे विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करता। यह बुत की जिहड़ी सियासत हैगी है ना, अकाली दल दे कोले तां मुद्दा है नहीं गा, मुद्दाहीन पार्टी है ते कांग्रेस लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते ਇਹ ਚਾਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਆ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।